नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। देश में अभी नौकरियों का निजीकरण किया जा रहा है, ऐसा आरोप छात्र या फिर विपक्ष के नेता लगाते हैं। और ये कहा जाता है कि जितने भी उपक्रम हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, उनको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। और सौंपने से पहले सबसे पहले ये किया जाता है कि उनमें कॉन्ट्रैक्ट पर बहालियाँ की जाती हैं। और आपको बताएं कि ये जो कदम जो है कॉन्ट्रैक्ट पर या फिर एक नया प्रयोग भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ भी सरकार करने जा रही है। अब जो है 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर सेना की बहाली होगी, अधिकारियों की बहाली होगी। इसे आपको बता दें कि टूर ऑन ड्यूटी का नाम दिया गया है और कैबिनेट के पास इसकी ब्रीफिंग भी दी गई है। और जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक बहुत जल्द भारत सरकार जो है इसे लागू कर देगी। एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर यह बहाली होगी, 3 सालों के लिए नौकरी मिलेगी और जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा उन्हें आगे कंटिन्यू कराया जाएगा और बाकी लोगों को सेना फिर छोड़ना पड़ेगा। तो अपने आप में ये काफ़ी अनूठा प्रयोग है और वो भी सेना के लिए काफ़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन जो सूचनाएँ निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक सैन्य बलों में नए तरीके से सैनिकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसे टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है। इसे कम बजट में युवाओं को रोजगार देने के इरादे से जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर करीब 2 साल से तैयारी चल रही है। इस अभियान के तहत कम सरकारी खर्चे में एक निश्चित अल्पकालिक अनुबंध पर सैन्य बलों में अधिकारियों और सैनिकों की बहाली की जानी है। इसके तहत नौकरी का समय करीब 3 साल का हो सकता है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती में भारी कटौती की गई है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक वर्तमान में सेना, वायुसेना और नौसेना में 1,25,364 पद खाली हैं। शीर्ष नेतृत्व से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। इस सप्ताह रक्षा मंत्रालय में टूर ऑफ ड्यूटी पर ब्रीफिंग दी गई। इस योजना को 2020 में सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे द्वारा लाया गया। हाल के महीनों में सरकार के शीर्ष स्तरों पर इसके आकार और दायरे पर विचार विमर्श किया गया। इस योजना की अंतिम रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आई है। इसका मकसद 3 साल के निश्चित अवधि के लिए सामान्य और विशेष कर्तव्य दोनों के लिए सैनिकों की बहाली की थी। इससे सशस्त्र बलों में अस्थायी भर्ती की अवधारणा में बदलाव की उम्मीद है। नई प्रक्रिया में 3 साल के अंत में अधिकांश सैनिकों की को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलेगी। माना जाता है कि कॉरपोरेट इंडिया ऐसे प्रशिक्षित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में रुचि रखता है जिन्होंने अपने देश की सेवा की है। यदि सैनिकों की एक बड़ी संख्या को टूर ऑफ ड्यूटी के तहत लिया जाता है तो वेतन, भत्तों और पेंशन में हजारों करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। भर्ती के लिए लिए गए युवाओं में से सर्वश्रेष्ठ को जगह होने पर अपनी सेवा जारी रखने का अवसर मिल सकता है। इस अभियान का मकसद सरकार की लागत को कम करने के साथ साथ हर साल हजारों प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देना है। IIT जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजों के छात्र जो सशस्त्र बलों में उच्च हाई टेक्नोलॉजी अभियान के विस्तार में योगदान दे सकते हैं, उन्हें एक छोटे कार्यकाल के लिए सेवा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिसके बाद वे नागरिक दुनिया में कैरियर बना सकते हैं। तो एक सेना में जो अभी सेना प्रमुख हैं MM नरवणे, उनके एक सोच का प्रयोग जो है वो सेना अपनाने जाएगी। और 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर जो कर्मचारी हैं, सेना के जवान हैं और अधिकारी हैं, उनकी बहाली की जाएगी और 3 साल बाद उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको बताएं कि कॉरपोरेट इंडिया जो है उन्हें नौकरी देगी और हो सकता है कि उनके लिए सीट आरक्षित किया जाए कि जो जिन्होंने देश की सेवा की है उनको कार्य करने का मौका दिया जाएगा। तो अभी जो है डिफेंस मंत्रालय के पास इसकी ब्रीफिंग दी गई है और आगे बहुत कुछ इसमें होना बाकी है। लेकिन भारतीय सेना में भी एक परिवर्तन, एक नया प्रयोग का जो है दौर शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात है कि इसे विपक्षी दल और भारत के युवा कितना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि देश के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के युवा की पहली पसंद
भारतीय सेना में जाना होता है, और सेना में जाने का बहुत सारा कारण होता है। सबसे पहला तो देश की सेवा करना होता है, और दूसरा होता है कि एक लाइफ टाइम के लिए सिक्योरिटी रहता है कि जॉब में जाने पर 15 साल बाद वो नौकरी छोड़ने के बाद ही पेंशन मिलता है, और फिर से दूसरे जगह भी नौकरी के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा सुविधा होता है सेना में। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट टूर ऑन ड्यूटी जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट आधारित जो बहाली आने पर, ये जो सेना की पहले से जो बनी हुई स्ट्रक्चर थी उसमें परिवर्तन होने की संभावना है। तो देखने वाली बात है कि इस पर क्या रिएक्शन आता है। लेकिन आपको बता दें कि अब कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम जो है भारतीय सेना में भी शुरू होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।